नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। करीब 23 महीने बाद जेल से छूटने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान योगी सरकार और प्रशासन पर जमकर भड़के। अपने पिता के संसदीय क्षेत्र रामपुर पहुंचने के बाद अब्दुल्ला आजम ने कहा कि इस बार चुनाव सरकार बनाम आवाम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जेल में बहुत तकलीफ मिली है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम लगभग 2 साल बाद सीतापुर जेल से छूटकर सबसे पहले रामपुर पहुंचे थे। रामपुर पहुंचने के बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने लोगों से कहा, जितना जुल्म हो सकता था वो हुआ। उन्होंने कहा कि आज भी मेरे वालिद यानी कि पिता आजम खान की जान को खतरा है। उन्हें कुछ हुआ तो सरकार और जेल प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होगा। आजम खान के बेटे ने आरोप लगाया कि मंडल में मौजूदा अधिकारियों के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, इसलिए चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि 8x8 के तन्हा बैरक में मेरे वालिद समय काट रहे हैं, वो बेगुनाह है। उन्हें एक मुकदमे में फंसाया गया जिसमें 7 लोग एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर हैं। एक अकेले आजम खान साहब ही जेल में बंद हैं। अब्दुल्ला आजम अपने पिता सांसद आजम खान के साथ कई मामलों में सीतापुर की जेल में 27 फरवरी 2020 से बंद थे। बता दें कि आजम के छोटे बेटे अब्दुल्ला पर उनके पिता के साथ चोरी से लेकर रंगदारी और जालसाजी तक के 43 मामले दर्ज थे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।